नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सभी डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियां 23 मई 2023, मैंने पॉइंट वाइज जानकारियों को यहाँ लिख रखा है। पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, 2 लाख पूर्व सैनिकों का व्हाट्सएप ग्रुप, जी हाँ, 2 लाख पूर्व सैनिकों का एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है जिसमें आप अपना शिकायत, अपना ग्रीवेंस डालेंगे और आपकी शिकायत का निपटारा हो जाएगा। अभी दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में एक बहुत बड़ा पूर्व सैनिकों का प्रोग्राम हुआ था जिसमें कई सारे पूर्व सैनिक और वीर नारियों ने शिरकत की थी। अब उस प्रोग्राम का नाम था थिंक टू डेयर। अब उस प्रोग्राम में माननीय गवर्नर, जो तमिलनाडु के माननीय गवर्नर हैं RN रवि जी, उन्होंने भी शिरकत की थी और उन्होंने ये एक प्रपोजल रखा है कि 1-2 लाख सैनिकों को लेकर के, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को लेकर के एक डिजिटल जो है ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नर साहब ने ये बोला है कि 2 लाख पूर्व सैनिकों को जोड़ते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है गठन किया जाए जिसमें पूर्व सैनिक अपनी समस्याएं डालें, अपना जो ग्रीवेंस है, अपनी जो तकलीफ है वो डालें और उसका निपटारा, उसकी सुनवाई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से हो। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी कार्रवाई है अगर ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों को अगर इसका लाभ मिलता है तो इसी तर्ज पर देश के बाकी हिस्सों में, बाकी राज्यों में भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जो राज्य सैनिक बोर्ड होते हैं उनके अधीन व्हाट्सएप ग्रुप को बना करके पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनवाई करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम और एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो दोस्तों ये एक स्वागत योग्य कदम है अगर इसको लागू किया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है दोस्तों, 2000 रुपए के नोट बदलिए आज से बैंक में, क्या ये डीमोनिटाइजेशन है? दोस्तों आप सबको पता है कि 19 मई 2023 को RBI की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें 2000 रुपए के नोट को बदलने की बात कही गई है। अब ये जो सामने आप RBI का नोटिफिकेशन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि 23 मई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक बैंक्स में 2000 रुपए के नोट को डिपॉजिट करने का और बदलने का काम चलेगा। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात नहीं मेंशन किया गया है कि 2000 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि चलन में नहीं रहेगा। कहीं भी ये बात मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि एग्जैक्टली इसको हम डीमोनिटाइजेशन नहीं कह सकते। ये एक रूटीन कार्रवाई है जिसमें 2000 रुपए के जितने भी नोट हैं उनको सरकार वापस लेना चाहती है। इसलिए सभी जनता को जो है ये हिदायत दी गई है कि आप 23 मई से इसको बदलने का या डिपॉजिट करने का काम कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास भी अगर 2000 रुपए का नोट है तो उसको आप या तो बदल लीजिए या तो बैंक में ले जाकर के जमा कर दीजिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद क्या होगा वो हम नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है सरकार कोई और नोटिफिकेशन जारी करे और ये भी बोले कि अब आगे आने वाले दिनों में जो 2000 रुपए का नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो या तो उसको बैंक में जमा कर दीजिए या तो फिर उसके बदले में बैंक से दूसरे डिनोमिनेशन में नोट्स ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जो सामने आप दूसरा नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं जो कि 22 मई 2023 का है, ये RBI ने बैंक्स के लिए निकाला है, यानी कि बैंक्स के लिए ये हिदायत दी गई है अब आप जो है नोट्स को बदलने का और जमा करने का कार्रवाई शुरू कर दीजिए और जितने भी नोट्स आपके पास जमा होते हैं उसका ये जो खाका दिया गया है उस खाके के हिसाब से फीडबैक भी भेजना है RBI को। तो दोस्तों अभी नोट्स का बदलने का काम शुरू हो चुका है, तो आपके पास भी अगर 2000 रुपए का नोट्स बाई चांस है तो उसको जमा कर दीजिए या बदल लीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम 25 और 26 मई को जरूर जाइए दोस्तों। एक स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि काजीकोड, जो केरला का काजीकोड है वहां होने जा रहा है और ये नॉर्दर्न केरला के लिए है दोस्तों ये प्रोग्राम, और ये होगा CDA चेन्नई के देखरेख में। तो दोस्तों अगर आपका कोई स्पर्श से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम में जरूर जाएं और अपनी जो भी समस्या है उनको जो है जाकर के रखें और उनका समाधान करवाएं। तो ऐसे अभी बहुत सारे जगह पर, देश के बहुत सारे जगह पर ये आउटरीच प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसके तहत अभी 25 और 26 मई को केरला के काजीकोड में ये होने जा रहा है जिसमें आपको, अगर आप वहां नजदीक कहीं रहते हैं तो जाना जरूर चाहिए और आपका स्पर्श से जुड़े हुए समस्या का वहां पर समाधान करवा लेना चाहिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ECHS की एक सकारात्मक पहल, अब 6 महीने तक एक ही रेफरल से काम चलेगा। अब दोस्तों ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं
जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS की तरफ से जारी किया गया है और कई सारे संस्थाओं को ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल है ECHS की तरफ से। अब इसमें ये जो दो नंबर पैराग्राफ आप लेटर का देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें ये बात लिखी गई है कि सैंक्शन ऑफ MD-ECHS इज हेयर बाय अकॉर्डेड फॉर एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ रेफरल्स फॉर पेशेंट्स अंडरगोइंग ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक्स मैनेजमेंट फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी मरीज ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक्स के तहत अपनी इलाज करा रहे हैं उनके लिए अब एक बार रिफर किया गया जो कागज है वो 6 महीने तक का उसका वैलिडिटी हो सकता है। ये एक अच्छी पहल है। चलिए दोस्तों अगली जो जानकारी है, लगे रहे तब तक जब तक ORUP का एरियर नहीं मिल गया। दोस्तों आप सबको मैंने अभी कुछ दिन पहले एक जानकारी दी थी, जो जानकारी थी गणेश तरफदार जी की। अब गणेश तरफदार जी को ORUP का एरियर बनता था लेकिन नहीं मिला था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि आप CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, और उनका जब जवाब आया था तो उस ईमेल के जवाब के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी थी दोस्तों। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि उनको ईमेल का जवाब आया था, अब इस ईमेल के जवाब में उनको जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं उन्होंने ये बोला था दोस्तों कि उनका पेंशन में अभी रिवीजन हो जाएगा, जो कि 19,527 से 21,782 रुपए कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बोला था कि उनका ORUP2 का जो टोटल एरियर है वो 1,30,642 बनेगा, जिसका उनका फर्स्ट इंक्रीमेंट बनेगा 32,660। ये जानकारी असिस्टेंट मैनेजर ने उनको दी थी ईमेल भेज करके। अब दोस्तों उनका जो 32,660 रुपए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होना था वो पैसा 19 मई को उनको मिल गया है। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जिसमें उनके बैंक में 32,660 रुपए यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका ORUP का एरियर का मिल चुका है। तो दोस्तों एक ऐसी जानकारी जो नहीं होने की वजह से कई सारे पेंशनर चुपचाप से बैठे रहते हैं, लेकिन जो कार्रवाई करते हैं, अब गणेश तरफदार जी ने CP ग्राउंड में ग्रीवेंस डाला, उनके ग्रीवेंस का पहले तो उनको असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरफ से ईमेल आया, जवाब आया कि आपका जो पैसा हम दे देंगे, इतना देंगे, इतने दिनों में देंगे, और सही पैसा जो है उनको 32,660 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल भी जाता है, जो कि कार्रवाई करने की वजह से मिलता है, उनके जागरूक होने की वजह से मिलता है दोस्तों। तो ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जो बोलते रहते हैं मुझे ORUP का एरियर नहीं मिला, बनता है लेकिन नहीं मिला। हाँ, सबसे पहले आपको यह चेक करना जरूर है कि आपका ORUP2 टेबल के तहत बन रहा है कि नहीं एरियर। अगर बन रहा है और नहीं मिला है तो आप भी ये काम कर सकते हैं, CP ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।